हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर ट्वेल्व कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेर्स ओके यू कैन सी दिस इज़ अ गर्ल एंड हर हेयर इज कर्ली उसके हेयर कैसे कर कर्ली तो इस चैप्टर में इस गर्ल के बारे में ही बताया गया है ओके नाउ स्टार्ट वंस देयर वॉज अ गर्ल विद कर्ली हेयर हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स एक बार की बात है कि बेटा एक लड़की थी उसके कैसे हेयर थे करली हेयर करली मीन घुंघराले जिसके कर्व होते हैं आपने देखा होगा कि गोल 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 बहुत से लोगों के जो बाल होते हैं गोल गोल रिंग्स बने होते हैं तो वो क्या होते हैं करली हर कर्ली लॉक्स और उसका नाम क्या था कर्ली लॉक्स वन डे शी वेंट टू शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस एक बार वह अपने घर के पास वाले जंगल में गई शी शी सो अटेज और वहां पर उसने क्या देखा कॉटेज कॉटेज एक छोटी वहां कोई नहीं था दैमिली लिव इन दहा पर कौन रहता था देर फैमिली मीन्स जो भालू का परिवार था वो वहां पर रहता था दे गोन फॉर अ वॉक और वो कहा गए हुए थे वॉक पर अंदर जानना चाहती थी वहां उस कुटिया में कौन रहता है ऑन द टेबल उसने वहां पर थ्री porridge. मतलब थ्री बॉस ऑफ porridge. यानी कि तीन कटोरे देखे जिसमें क्या था porridge. Porridge एल एज अ ब्रेकफास्ट जिसे हम दलिया भी बोलते हैं देयर वॉज अ बिग बॉल फॉर पापा बेर वहां पर जो एक बिग बॉल था वो किसके लिए था पापा बेर के लिए था किसके लिए था बच्चों पापा बेर के लिए मिडिल साइज बॉल फॉर मम्मा और जो मिडिल साइज का था जिस जो की ना छोटा था ना बड़ा था मिडिल साइज था वो किसके लिए था मम्म एंड अ टाइनी लिटिल बॉल फॉर बेबी बेर और जो सबसे छोटा टाइनी मीनस क्या होता है स्मॉल जो छोटा था वो किसके लिए था बेबी बेर के लिए करली लॉक्स वॉज हंगरी करली गई यानी यानी कि कि उसने जो big ball, कि जो बड़ा था था पापा वेर का जो था, उसमें से उसने सारा दलिया फिनिश कर दिया इट वॉज वेरी हॉट वह कैसे था वेरी हॉट मीन बहुत गर्म था शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बॉल उसने मिडिल साइज का जो बॉल था उसमें से भी सारा उसने पॉरिस खा लिया इट वॉज टू कोल्ड वे कैसा था बहुत ठंडा था टू कोल्ड यानी कि बहुत अधिक टू का मतलब होता है वेरी मच बहुत ठंडा था शी एट फ्रॉम दैट टाइनी लिटिल बॉल और उसने जो टाइनी लिटिल बॉल था यानी कि जो छोटा बॉल था उससे भी सारा दलिया फिनिश कर दिया इट वॉज जस्ट राइट अब वह कहती इट वॉज जस्ट राइट उसने कहा यह ठीक था करली लॉक्स एट अप ऑल द दॉरिज करली लॉक्स जो थी सारा दलिया खा गई सारा पॉलिज उसने फिनिश किया देन शी वैन टू द बेडरूम और उसके बाद क्या हुआ वो जो है बेडरूम में गई डियर वॉज अ बिग बैड फॉर पापा बैर वहाँ पर एक बहुत सा बहुत बड़ा बैड था वो किसके लिए था पापा बैर अडल साइज बैड फॉर ममा बैर और जो मिडल साइज का जो बैड था जो कि ना छोटा था ना बड़ा था मिडिल साइज था वो किसके लिए था ममा बैर एंड अ टाइनी लिटिल बैड फॉर बेबी बैर और जो छोटा बैड था वो किसके लिए था किसके लिए था बच्चों लिटिल बेबी बेड ओके द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड और जो जो बड़ा बेड था वो कैसा था हार्ड था द मिडिल साइज बेड जस्ट द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट और जो मिडिल साइज का बेड था वो टू सॉफ्ट मीन्स बहुत सॉफ्ट था बहुत मुलायम था बट द टाइनी लिटिल बेड जस्ट राइट मगर जो छोटा बेड था वो बिल्कुल ठीक था लॉक्स इन द टाइनी लिटिल बेड अब कर्ली वो वहां जाकर सो गई कहाँ जाकर सो गई टाइनी लिटिल बेड मींस छोटा जो बेड था वहां पर जाकर सो गई द फैमिली केम बैक और बेर फैमिली वापस आई समबडी एट माई पॉलिश पापा बेर इन हिज बेग ग्रफ वॉइस ग्रफ वॉइस मीन्स क्या होता है बच्चों ग्रफ मईस

Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. मगर जो Baby Bear था उसने बहुत ही soft voice में धीमी आवाज में कहा कि मेरा भी porridge किसी ने खा लिया है The Bear family went to the bedroom. अब जब जो Bear की family तो bedroom में गई Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. अब same वैसे ही हुआ कि जब उन्होंने देखा कि उनके room में कोई सोया हुआ है तो फिर से उन्होंने shout किया कि somebody slapped in my bed कि कोई मेरे bed पर सोया हुआ सोया था shouted papa papa ने कहा somebody slept in my bed too said mama bear mama bear ने भी वही कहा कि मेरे भी bed पर कोई सोया था somebody is sleeping somebody is sleeping in my bed said baby bear in his in his tiny little voice तब बेटा जो बेबी बेर था उसने बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा कि मेरे बेड पर कोई सो रहा है कर्ली लॉक्स अप करली लॉक उठी शी सौदा थ्री बेर्स उसने देखा थ्री बेयर्स हैं वह शी जम डाउन और वह नीचे कूदी एंड रन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज द एज शी गुड और जब वो नीचे कूदी तो वो इतना तेज़ भागी जितना कि वो तेज़ भाग सकती थी लेट अस रीड न्यू वर्ड्स करली कॉटेज बॉल पॉरिस हंगरी नाउ सी दिस एक्सरसाइज माई माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ्ट एंड करली वेन आई एम हंग्री आई ईट अ लॉर्ड बेटा ये जो करली और हंगरी है इससे ये जो है सेंटेंस बनाए गए हैं जो पिंक कलर के आप वर्ड देख रहे हैं इनसे जो है आपको सेंटेंसेस बनानी है अब इस बुक में तो माई सिस्टर्स हेयर इज सॉफ्ट एंड करली आप ये भी लिख सकते हो माई हेयर इज कर ली ओके नाउ नेक्स्ट रीडिंग इज फन हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट की फॉरेस्ट की जो कॉटेज है उसमें कौन रहता था द थ्री बेर्स लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट आंसर इज द थ्री बेर्स लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्या देखा दर्स नाउ नेक्स्ट वाई डिड शी ईट अपल दॉरिस फ्रॉम बेबी बेर्स बॉल की उसने करली लॉक्स ने सारा पॉलिस बेबी बेर के बॉल से क्यों खा लिया शी एट ऑल द पॉलिस फ्रॉम बेबी बेर्स बॉल एज इट वॉज जस्ट राइट फॉर हर उसने वो इसलिए खा लिया कि वह उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक था ना ही ज्यादा गर्म था ना ही ज्यादा ठंडा था सॉरीप इन स्लैप इन देबी बेट्स बैड बिकॉज द लिटिल बैड वॉज जस्ट परफेक्ट फॉर हर ओके अब उस वो उस बैड पर क्यों सु क्योंकि वो बैड जो है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था ओके okay, ना ज्यादा सॉफ्ट था ना ज्यादा हार्ड था बिल्कुल परफेक्ट था नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज द वर्ड्स करली एंड हंग्री अस अबाउट करली लॉक्स जो ये वर्ड्स करली एंड हंग्री ये करली लॉक्स के बारे में बताते हैं कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स क्या आप और वर्ड्स ढूंढ सकते हैं विच डिस्क्राइब द बेर्ट्स जो कि बेर्स के बारे में डिस्क्राइब करें नाउ फ्रॉम देम इन टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन अब यहाँ पर आपको बेर के बारे में कुछ वर्ड्स लिखने हैं देखिए फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग यूज हैवी फरी ब्लैक फैट ग्रफ वाइज ये जो वर्ड्स बेटा दिए हुए हैं ये बेर्स के बारे में नाउ नेक्स्ट आपका है राइट फाइव लाइन्स ऑन माई फैमिली यू कैन राइट योर योर सेल्फ बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आप अपनी बुक में खुद कर सकते हैं आपको फाइव लाइन्स अपनी फैमिली के बारे में लिखनी है नाउ नेक्स्ट मिक्स सेंटेंसिस विद सी एंड सी टेल एंड टेल अब आप देख रहे हैं साउंड दोनों की सेम है मगर जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है एस ई ए सी सी मीनस क्या होता है यहाँ समुद्र और एस डबल ई सी इसका मीनिंग क्या होता है बेटा देखना तो आपको इनसे क्या करना है सेंटेंस बनाने हैं टी ए आई एल टेल टेल का मतलब यहाँ क्या होता है पूछ और टी ए एल ई टेल का मीनिंग क्या होता है स्टोरी तो आपको इन वर्ड से यहाँ पर सेंटेंस बनाने हैं Okay? देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें बेटा फॉर एग्जाम्पल अ बॉल ऑन पापा बेर्स प्लेट अब जो बॉल है वो किसकी प्लेट में रखी हुई है पापा बेर्स अ फ्लार ऑन मम्मा प्लेट और जो फ्लार है वो किसकी प्लेट में रखा हुआ है मम्मा प्लांट अंडर बेबी बेयर चेयर और जो प्लांट है वो बेबी चेयर के नीचे रखा हुआ है वॉट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर आप और आप और क्या क्या चीजें इस पिक्चर में देख सकते हैं वो आपको यहाँ लिखना है फर्स्ट इज देयर इज अ रेड इन द फ्रूट बास्केट यू कैन सी बच्चों आप देख रहे हैं ना ये रेड कहाँ है फ्रूट बास्केट देयर इज अ शू इन साइड द वॉटर जग अब वॉटर जग के अंदर देखिए क्या है शूज है शू है सॉरी दियर इज अ कैट सिटिंग ऑन लिटिल बेड चेयर और जो आप देख रहे हैं जो लिटिल कैट कहा है बेबी के चेयर पर आप देख रहे हैं ये लिटिल कैट है नाउ द करटेन इज टाइड विद अ रिबन और ये जो आप करतेटेन देख रहे हैं वो किससे बंधा हुआ है रिबन से तो आप यहां पर ये सब लिख सकते हैं बेटा नाउ बेटा दिस एक्सरसाइज डन दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड and you will do all the exercise in your book beta now i will meet you in next video till then take care beta